ठीक है भाई। किसी दिव्यारों को कोई बात कहनी हो? सर श्रावस्ती दिव्यारों, सर पूछना चाह रहा हूँ सर। सर मेरे यहाँ करीब एक दर्जन ऐसे गांव पंचायत है जहाँ एक साल अनुबंध समाप्त हो गया तो सहायक को निकाल रहे हैं सर। ऐसा मेरे पास करीब 7 गांव का आ चुका है सर। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा एक मिनट इसका जवाब देते हैं, पहले एक ध्यान में बात आई है। सर ने आज डीपीआरओ 9 और डीपीआरओ 8 स्पेशली नोट कर ले, आपको जितने भी स्टाफ की कमी थी उसकी पोस्टिंग आज कर दी गई है डीसी की, और इनसे बात करके एजेंसी से जो भी कंसर्न एजेंसी हो अपने आदमी को यथाशीघ्र उतनी जल्दी बुला लीजिए, यहाँ से भेजा जा चुका है फाइनल करके। हाँ आप बताइए। अब पूरे प्रदेश में जहाँ भी कंसल्टिंग इंजीनियर उनका सहायक नहीं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट स्वच्छ भारत मिशन के जो भी पद खाली रहे हैं वो संबंधित एजेंसी को भेज दिए गए हैं जो प्रथम चरण में हम लोगों को मिल गए थे। स्पेशली नोटिस करके किया गया है मऊ को, एटा को, जहाँ की स्टाफ बिल्कुल नहीं था, जीरो था। अब बताइए आप। सर पंचायत सहायक संबंध में बात करना चाह रहे हैं। सर हमारे यहाँ करीब 7 प्रधान हैं जिन्होंने एक साल का अनुबंध वेट कर रहे थे, एक साल हो गया तो वो अपना अनुबंध समाप्त कर दे रहे हैं और नया सहायक की नियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। और ऐसा है कि जियो में स्पष्ट है कि कोई प्राविधान अभी उनका इम्पैनलमेंट खत्म होने पर क्या किया जाएगा इसके बारे में आप उनको नहीं बताया गया है, ना उनको कोई अधिकार दिया गया है अभी। अरे कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये जो है ना जो नियुक्ति हुआ है वो शासन के आदेश से हुआ है जी सर, ठीक है, और वो ये वन टाइम नियुक्ति हुई है, ऐसा नहीं कि रोज रोज हटाते रहे नियुक्त करते रहे हैं सर। वन टाइम नियुक्ति का दिया गया था, जो बच गए थे उनको सेकंड टाइम स्पेशल परमिशन दी गई जी सर। ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना उनको तुरंत आप 95(6) में तुरंत दे दो कि आप कर्तव्य से च्युत हुए हो जी, नोटिस दीजिए उनको तुरंत जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर। कि ये जो है जो नियम कानून के तहत आपको निर्देश दिया गया उसके अलग जा करके आपने जो है कार्य में बाधा पहुंचाई, आपने जो है कर्तव्य से च्युत हुए हो, क्यों ना आपको हटा दिया जाए। 2-4 को पकड़ोगे नोटिस बस उसके साथ सब सीधे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं करेगा। नया नया ज्ञान निकाल के लाते वापसी। सर हटाने का कोई प्रावधान नहीं डाला गया है उस जियो में, वही हटाने का नोटिस पकड़ा देगा ना। हाँ उसका प्रावधान है प्रधान को हटाने का, पंचायत सहायक के हटाने का प्रावधान नहीं बनाया गया है। असम स्पष्ट कर दो कोई प्रावधान नहीं है हटाने का, उसको नोटिस दे रहे हैं पंचायत। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी मीटिंग देखा और उस मीटिंग से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि जो पंचायत सहायक हैं उनको प्रधान किसी भी तरह से निकाल नहीं सकता, यानी कि कहीं ना कहीं अभी तक कई सारे पंचायत सहायकों, मैक्सिमम पंचायत सहायक को ये चीज़ का डर था कि 11 मंथ अभी पूरे होने को हैं, यानी कि अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद उनका जो अनुबंध है वो कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपने मीटिंग अभी देखा इसमें एकदम क्लियर किया गया है कि जो पंचायत सहायक को निकालने का अभी तक कोई अनुबंध, यानी कि कोई अभी नियम नहीं है। जैसे कि उनको ज्वाइन किया गया था वो भी शासन के अनुसार, और उनको जो निकालने का प्रोसेस है वो अभी कोई भी डिक्लेयर नहीं है, जैसा कि आपने इसमें मीटिंग में देख चुके हैं, ठीक है। और हालांकि ये भी बताया गया है अगर कोई भी प्रधान अगर आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, यानी कि आपको धमकी देता है, आपको ऐसे कुछ कहता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सही पंचायत सहायकों के लिए। आशा करते वीडियो पसंद आएगा, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तो तक ले जय हिंद, बाय।